हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनसीडेक्स बाजार में प्रमुख जिंसों के भाव 14 जून 2021 को क्या देखने को मिले, कौन से जिंसों में तेजी रही और कौन से जिंसों में नरमी रही, पूरी तरह से वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाई तक जानकारी पहुँचे, जानकारी का लाभ उठा सके। या दोस्तों, आप लोग के मन में जो भी सवाल होते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम है कि मैं यहाँ पे एनसीडेक्स के रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ देता रहता हूँ, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सोयाबीन के बारे में, तो बाजार यहाँ पर जब बाजार खुला 7150 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिला 7300 रुपये पर। बात करने उत्तम भाव की तो दोस्तों यहाँ पर 7100 रुपये देखने को मिले और तेजी मंदी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 150 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर सोयाबीन के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें अरंडी के बाजार भाव में, बाजार खुले 5045 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 5080 रुपये। बात करने उत्तम भाव के दोस्तों 4975 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की अगर बात करें दोस्तों 22 रुपये नरमी के साथ यहाँ पर अरंडी के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर चना के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुले 570 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 5150 रुपये। बात करें अपने उत्तम भाव के तो 5065 रुपये देखने को मिले। और तेजी मंदी की अगर बात करो दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर चना के बाजार भाव देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करें यहाँ पर जौ के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार को 1875 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिला 1875 रुपये। बात करने उत्तम भाव के तो 1875 रुपये देखने को मिले। वहीं पर अगर तेजी मंदी की अगर बात करो तो दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये नरमी के साथ यहाँ पर जौ के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पर दोस्तों ग्वार गम के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार को यहाँ पर 6260 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 6320 रुपये। बात करने उत्तम भाव के दोस्तों 6250 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो 8 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे ग्वार गम के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे ग्वार सीड के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पे 4045 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिला 4060 रुपये। बात करें अपने उत्तम भाव के दोस्तों 4040 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो 15 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे ग्वार सीड के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पे दोस्तों धनिया का बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुले यहाँ पर 6615 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 6750 रुपये। बात करने उत्तम भाव के तो 6595 रुपये देखने को मिले। और तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर 25 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे धनिया का बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पे जीरा के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुले 13570 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 13780 रुपये। बात करने उत्तम भाव के 13550 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर 35 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर जीरा के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पर कपास के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुले 1325 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 1340 रुपये। बात करने उत्तम भाव के दोस्तों 1300 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की बात करो दोस्तों यहाँ पर 20 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे कपास के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार को 1360 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 1380 रुपये। बात करने उत्तम भाव को 1315 रुपये देखने को मिले। वहीं पर अगर तेजी मंदी की अगर बात करो यहाँ पे तो दोस्तों रिफाइंड में भी 8 रुपये नरमी के साथ यहाँ पे रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पे दोस्तों सरसों के बाजार भाव में, तो बाजार खुले यहाँ पे 6815 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 6950 रुपये। बात करने उत्तम भाव के दोस्तों 6560 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की बात करो दोस्तों यहाँ पे तो 45 रुपये नरमी के साथ यहाँ पे सरसों के बाजार भाव देखने को मिले। वहीं पर नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे हल्दी के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुले यहाँ पे 7545 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 7690 रुपये। बात करें दोस्तों न्यूनतम भाव के दोस्तों 7530 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की अगर बात करो दोस्तों यहाँ पे 55 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे हल्दी के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कपास के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुले 7000 नरमा के बाजार भाव में, तो बाजार खुले यहाँ पर 7000 रुपये पर अधिकतम भाव देखने को मिले 7420 रुपये। बात करें यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भाव के दोस्तों 6850 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की बात करो दोस्तों यहाँ 35 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर नरमा के बाजार भाव देखने को मिले। गोल्ड रेट के बारे में बात करें यहाँ पर दोस्तों 47 से 860 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। 22 कैरेट का वहीं पर 100 रुपये की गिरावट भी देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें यहाँ पर 24 कैरेट के बारे में गोल्ड रेट का, तो दोस्तों यहाँ पर 24 कैरेट की बात करें 48 से 860 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। और तेजी मंदी की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिले। तो दोस्तों ये थी आज का एनसीडीएस कमोडिटी बाजार के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि कोई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाई जानकारी पहुँचो, जानकारी का लाभ उठा सके। या दोस्तों आप लोग के मन में जो भी सवाल होते हैं
तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।